हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर डेली ब्लॉग। तो मैंने सोचा कि एक चलो डेली रूटीन का छोटा सा ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे आपको बता सकूं कि दिन भर में क्या क्या चीज़ें होती हैं करने के लिए। देन बस सुबह उठी, उसके बाद एक अंगड़ाही लेकर फिर मैं कपड़े लेकर भाग जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि ना टाइम ऐसा होता है कि अविक के कारण रात में भी लेट हो जाता है और फिर सुबह जल्दी उठ के मुझे नीचे जाना होता है। अविक और उसके पापा अभी भी सो रहे होते हैं, तो उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए बस मैं नहाने चली जाती हूँ यहाँ पर। मतलब इतना जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है मॉर्निंग का कि पता ही नहीं चलता है, बस काम काम होता है। और हाँ, ये आप लोग अधिकतर मुझसे पूछते हैं कि मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि ऐसा कोई भी रूटीन नहीं है मेरा। जस्ट मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ निविया का, एंड देन बस ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ। पॉन्ड्स का जेल क्रीम है, मुझे बहुत ही पसंद है, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, 1.5 ईयर मुझे होते आया, एंड ये काफ़ी अच्छा क्रीम है। बस इतना सा ही मेरा स्किन केयर होता है। मुझे टोनर वगैरह एक्चुअली अभी तक सूट ही नहीं किए, मैंने 2-3 ब्रांड के यूज़ करके देखे, लेकिन मुझे कोई भी टोनर अभी तक सूट नहीं किया है। और फिर हल्का हल्का सा टचअप दे देती हूँ मैं, मुझे ना रेडी होके रहना ही घर में भी अच्छा लगता है, तो हल्की सी लिपस्टिक, हल्का सा ब्लश, देन बस इतना सा करके मैं रेडी हो जाती हूँ यहाँ पर। और यहाँ मैं जैसे ही रेडी हुई तो मुझे आवाज़ें आने लगी थी, अविक सोकर उठ गया था। तब तक अविक के पापा तो नीचे जा चुके थे, बस अविक जग रहा था। तो फिर मैंने फटाफट से लॉक वगैरह करना और सब देखना करना करके अविक के पास चली गई थी। अभी भी वो यहाँ पे ऐसे लेटा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, तब तक बेड वगैरह सेटल कर देती हूँ, क्योंकि एक बार नीचे जाने के बाद फिर मैं आफ्टरनून में ही ऊपर आ पाती हूँ, उसके पहले तो मेरा ऊपर आना होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं सब कुछ यहाँ से सारे काम करके जाती हूँ। तब तक अभी कोट गया था, मम्मा मम्मा कर रहा था, फिर मैंने उसको बोला चलो नीचे चलते हैं, नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं। अविक के दादा दादी एक्चुअली सुबह से उसका बहुत ज़्यादा वेट करते रहते हैं कि वो कब आएगा नीचे। फिर मैं नीचे जाती हूँ तो मेरी चाय रेडी ही रहती है अधिकतर, कभी कभी मुझे बनाना पड़ता है, कभी कभी माँ या संकेत बना देते हैं, तो मैंने मेरी चाय पीती हूँ आराम से। इसके पहले मैं पूजा वगैरह कर चुकी होती हूँ। एक्चुअली दिन में इतना कुछ होता है कि मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, बस जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ वो ही दिखा पाती हूँ। तो यहाँ फिर मैं ना शायद नाश्ते की तैयारी कर रही थी, क्योंकि हमारा ना डोसे का घोल रखा था, तो हमने सोचा कि चलो उत्पम बना लेते हैं वेजिटेबल। तो फिर बस मैं वेजीज कट वट कर रही थी और मिक्स करके यहाँ फिर मैंने चालू कर दिया था उत्पम बनाना। और अभी मे बी टाइम हो रहा होगा 8:30 अप्रॉक्स, क्योंकि यही टाइम होता है जब शॉप पे जाते हैं पापा जी एंड संकेत। देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे उत्पम बनाना चालू किए और सब लोगों को ब्रेकफास्ट करवाया। हमारे लिए तो वेजिटेबल वाले बनाए थे, बट अविक के लिए मैंने प्लेन बनाए थे। तो यहाँ उत्पम बनाए फटाफट से और फिर सब लोग ब्रेकफास्ट किए, फिर देन मैंने भी कर लिया था। और यहाँ साथ साथ में दूसरे दूसरे छोटे छोटे काम चलते रहते हैं, जैसे कि अविक की बॉटल्स बॉईल करना, या फिर दूध वाले भैया आ जाते हैं तो दूध लेना, अविक का नहाना, उसको रेडी करना, ऐसे छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब दिन भर की छोटी चीज़ें तो मैं नहीं दिखा सकती। फिर मैं यहाँ ना लंच की प्रिपरेशन भी करने लगती हूँ। लगभग मैं शायद ना 9:45 से लंच की प्रिपरेशन चालू कर देती हूँ, क्योंकि 12 बजे मुझे किसी भी हालत में ना लंच रेडी करना रहता है, क्योंकि खाना खाने वाले आ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ फिर मैंने दाल चढ़ा दी और चावल धोने लगी, क्योंकि दाल चावल बनाना था मॉर्निंग में, तो लगभग हमारे यहाँ रोज़ ही दाल चावल बनते हैं। तो यहाँ फिर मैंने फटाक से चावल धो लिए हैं, और दाल का कुकर खुला मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके ऊपर जो फेस आता है ना, तो वो डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा नहीं रहता, ऐसा मैंने पढ़ा। और मेरे जो सास ससुर इन लॉज हैं दोनों, उन दोनों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो फिर मैं ये फेस हटा देती हूँ। और फिर इसमें टर्मरिक पाउडर डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया था।
दोनों ये कुकर हो रहे थे तब तक मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई थी। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने ये वेजीज कट कर रही हूँ। एक्चुअली ना ये नारियल कट कर रही हूँ मैं। हम लोगों ने ना ऑथेंटिक मराठी सब्जी बनती है पातोड़ी की, जो बेसन के कट करके ऐसे बनाई जाती है, तो वो एक आंटी बनाने वाली थी जो हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारी हाउस हेल्प हैं, उनसे बनवाने वाले थे, क्योंकि वो उन लोगों के हाथ का टेस्ट तो हमारे हाथों में आ ही नहीं पाता है, तो मैं उन्हें तैयारी करके देने वाली थी बस। तो इसलिए मैं यहाँ पे उसमें नारियल डलते हैं तो मैं नारियल सेकना, फिर प्याज सेक के देना, ये सब उनको करके देना था मुझे, ताकि मतलब ऐसे अब वो सब तो नहीं कर सकती ना, ग्रेवी प्रिपेयर करके देना था उनको। तो यहाँ फिर मैंने ये प्याज भी सेक लिया। उन्होंने ही आइडिया दिया कि काम करो पैन में या कढ़ाई में मत करो, तवे पे सेको, तो फिर इसलिए फिर तवे पे सेकने लगी। आप लोगों ने कभी पातोड़ी की सब्जी टेस्ट करी है क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मैंने सीख ली है उनसे, तो मैं ज़रूर आप लोगों से उसकी एक बार वीडियो बना के रेसिपी शेयर करूँगी, यदि पॉसिबल हुआ तो। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि पातोड़ी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं बताइएगा, तो यदि हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। देन मैंने इसको पीस कर और वहाँ पे रख दिया था आंटी के लिए। बाद में आंटी आई और उन्होंने फिर सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तब तक मैं अविक को ही देख रही थी, क्योंकि अविक की मस्ती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम दोनों में से एक को तो किसी को उसको देखना ही पड़ता है। या तो माँ अविक के पास रहेंगी तो मैं किचन में काम करूँगी, और या मैं किचन में काम कर रही हूँ तो या तो माँ किचन में काम करें तो मुझे अविक के पास बैठना पड़ेगा। और यहाँ ना तेल मसालों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है सब्जियों में। आप देख सकते हैं कि कितनी रेड रेड ग्रेवी दिख रही है उसकी। फिर ऐसे उन्हें बेसन का आटा लगाया और उसकी रोटी बेली और उसको ऐसे बर्फ़ी जैसे कट करके और फिर इसमें डाल देते हैं और फिर यही ग्रेवी में वो सींचती है। तो ऐसे कुछ वो सींचती है ये। फिर आंटी बाद में चले गए थे, उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम इसको कट करके डाल दो, तो फिर ये मैं ही कर रही थी, तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया बाद में। हमारे यहाँ ना एक्चुअली रोटी बनाने के लिए भी ना एक आंटी अलग से आती है, बस मुझे दाल सब्जी वगैरह ये सब बनाना रहता है। तो और जो भी स्पेशल यदि कभी बनाती हूँ तो फिर मैं बनाती हूँ। तो इसके साथ ना सब लोग यहाँ ज्वार की रोटी और तेल की रोटी प्रेफर करते हैं, तो तेल की रोटी मैंने बनाई थी क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। मेरी अभी एक सीरीज़ चल रही है रोटी और पराठे की, अलग अलग टाइप्स के, तो उसमें मैं ये डाल रही हूँ, तो आप देखना ज़रूर, उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। देन उसके बाद हम सब लंच करने बैठ गए थे और बहुत ही अच्छा लगता है, सब लोग ना साथ में ही बैठते हैं, अधिकतर मैं, संकेत, माँ, पापा जी और अविक पहले ही खा लेते हैं। फिर लंच के बाद ना हमको एक सरप्राइज़ मिला संकेत ने, कि बोट जो बचपन में चलाते थे आपको याद होगी, तो ये संकेत ने ऑनलाइन बुलाई थी, तो हम दोनों ना इसको लेके बैठ गए अविक के साथ में, कुछ तो भी करने। अब हमें याद ही नहीं आ रहा था कि इसको चलाते कैसे थे, तो बहुत यादवाद करके, बहुत जद्दोजहद के बाद आखिरकार ये चलने लगी। और लाइक अविक को तो बहुत ही मज़ा आया। उसके साथ साथ ना हमारे घर में ये मिट्टू है, गुन्नू इसका नाम रखा हुआ है, ये भी इतना झाँक झाँक के देख रहा था कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और आप में से किस किस ने अपने बचपन में इस बोर्ड से खेला है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे जानने में ये सब बहुत मज़ा आता है और मैं सबके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। उसके बाद अविक को तो इतना मज़ा आया, अविक के लिए ये बहुत न्यू कुछ चीज़ थी। देन बस फिर ये खेल को ख़त्म किया और 2 बज गए थे मुझे किचन से फ्री होते होते। किचन वगैरह क्लीन करके मैं चली गई थी ऊपर, मेरे रूम में आ गई थी। मैं थोड़ा सा आफ्टरनून में रेस्ट करती हूँ कभी, जो मेरे रील्स के एडिटिंग के और वीडियो बनाने के रहते हैं, तो वो सब काम मैं आफ्टरनून में ही करती हूँ, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा रहता है कि मैं फ्री रहती हूँ। तब अभी नीचे सो रहा था माँ के पास, तो और अभी तो मुझे आज तो बहुत ही नींद आ रही थी, तो फिर मैंने बोला आज मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं तो सोऊँगी। तो देन बस फिर मैंने लाइट्स वगैरह अपने ऑफ़ किए, एसी ऑन किया और आराम से सो गई। देन मैं आधा घंटा सोई थी कि मेरे पास ऊपर अविक आ गया। फिर अविक और मैं थोड़ी देर मस्ती करते रहे, बातें करते रहे, खेले।
फिर ना मेरी रोज़ आदत है कि मैं उसके बाद जब भी उठती हूँ सो के दोपहर में या फिर नीचे जाने वाली होती हूँ तो उसके पहले ना फेस वॉश करना और वापस थोड़ा सा रेडी होना, टचअप करना, ये करती हूँ क्योंकि इससे ना एक रिफ्रेशमेंट आ जाती है और अच्छा लगने लगता है कि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डे में ना आपको पॉज मिल के रीस्टार्ट हो गया आपका डे। फिर उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ तो नीचे वही छोटे छोटे काम रहते हैं शाम के, जैसे कि कपड़े वगैरह फोल्ड करना है, सबकी चाय दूध बना के देना है। फिर मैंने तो आजकल गर्मियाँ इतनी बढ़ गई थी कि आफ्टरनून की चाय बंद कर दी थी, बस कोल्ड कॉफ़ी पी रही थी बहुत दिन हो गए, तो फिर मैंने मेरी कोल्ड कॉफ़ी बनाई। और मेरी कोल्ड कॉफ़ी पता नहीं अविक को कैसे पता चल जाता है कि मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ, वो आके मेरी कोल्ड कॉफ़ी में से हिस्सा ले लेता है। खैर छोड़िए, ये तो बहुत ही स्वीट बात हो गई। फिर उसके बाद ना इसी दिन एक्चुअली ना संगीत को भी भूख लगी थी तो फिर मैगी भी बनाई थी, तो मैगी तो रिकॉर्ड तो नहीं करी बनाते हुए लेकिन हाँ खाते हुए, और प्लेट की फ़ोटो ज़रूर मैंने रिकॉर्ड कर ली थी जो आगे आपको देखने को मिलेगी। तो बस फिर मैगी वैगी खाई हम लोगों ने, कोल्ड कॉफ़ी पी अभी और मैंने शेयर करके, या आधी कोल्ड कॉफ़ी अभी की पिया हुआ था जो आधा कप हो गया है। फिर उसके बाद थोड़ी देर माँ के पास बैठी रही थी मैं और माँ बातें करते रहे। फिर हो गया था टाइम डिनर बनाने का तो उसमें लग गए थे। डिनर में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था एक्चुअली, दाल ढोकली बना रही थी क्योंकि सुबह की फीकी दाल रखी हुई थी तो सोचा था हमने कि दाल ढोकली बना लेंगे बस। तो फिर मैं यहाँ उसकी तैयारी कर रही हूँ और मैंने चमका लगाया और फटाफट से दाल बघार दी। दाल बघारने के बाद फिर आंटी आ गई थी तो उन्होंने रोटियां बनाई और मैंने उसमें डाल दी, तो ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। और उसके बाद में ना एक्चुअली दाल ढोकली मुझे पर्सनली इतनी भाती नहीं है, बाकी तो संकेत को, माँ को, सबको बहुत पसंद है, तो मैंने खुद के लिए पापड़ की सब्ज़ी बनाई थी जो आपको बाद में देखने को मिलेगी। यदि आपको पापड़ की सब्ज़ी आपने कभी खाई नहीं है तो मुझे बताना, मैं आपको उसकी रेसिपी बताऊँगी। बहुत ईजी सब्ज़ी होती है और इतनी यमी बनती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। देन फिर उसके बाद ना मैंने पापड़ की सब्ज़ी, रोटी मैंने जीमा, बाकी सब लोगों ने खाना वाना खाया। फिर किचन विचन क्लीन करते करते मुझे बहुत लेट हो जाता है, लगभग 9:45 तो बज ही जाते हैं। फिर मैंने भगवान जी को बाय बाय बोला, देन किचन विचन क्लीन करके अविक के बॉटल्स वगैरह लेके मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने यहाँ देखा कि अविक और उसके दादाजी बहुत ही अलग ही चलता है इन दोनों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका बॉन्ड देख के। मेरा भी मेरे दादाजी के साथ कुछ इतना ही प्यारा सा बॉन्ड था। चलिए अब थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं तो एक हार्ट ही छोड़ते जाइए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।